हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो उस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस शेयर के अंदर किस तरह प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज आपको अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रेट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, एज वेल एज अगर हम क्वार्टर टू के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर जो है पिछले साल थे 323 मिलियन रुपीज़, जो कि इस साल जो है यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं, दैट इज 395 मिलियन रुपीज़। सो यहाँ पर जो कंपनी नेट प्रॉफिट से वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू की बात करूँ, दैट इज क्वार्टरली टू बेसिस के हिसाब से, तो वो था पिछले साल दैट इज 1.1 बिलियन रुपीज़, जो कि इस बार जो है बढ़कर हो चुका 1.27 बिलियन रुपीज़। सो कंपनी रेवेन्यू एज वेल जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको एकदम शार्प अपसर्ज नहीं देखने को मिल रहा, बट फिर भी एक अच्छा सा अप ट्रेंड जरूर यहाँ पर आपको फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करूँ, 2053 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर जरूर बना देती है, और उसके साथ साथ में डिविडेंड यील्ड भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, 4.07% का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपीज़, और इसका जो बीटा है वो है 0.88, जो कि आपको बता था कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.88% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम इस शेयर को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के प्राइस टॉर्निंग के हिसाब से, तो जो कि निकल कर आता है 57.18, और इस शेयर की जो प्राइस टर्निंग है वो है 16.23 का एक प्राइस टर्निंग देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉस्टली जरूर, डेट इज़ 4.59 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू निकल कर आती है डेट इज 18.74 रुपीज़ का इसका जो है बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से कंपेयर 2018-19-2020 के अंदर रिजल्ट 2021 के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर तो कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें यहाँ पर आपको जो है डेट इज़ रेवेन्यू ऑलमोस्ट डेट इज 20-30% का या राइस देखने को मिल रहा है, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ऑलमोस्ट 3-fold यहाँ पर जो है हमें अपसर्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 5-year हाई प्राइस है नियरली 147.05 रुपीज़, और करंटली चल रहा है 86 रुपीज़ के नियर बाय। सो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, तो 5-8% तक के जो गेन होंगे वो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द शेयर अभी करंटली जिस तरह से ट्रेड होते हुए देखने को आपको मिल रहा है। सो होप करता हूँ कि आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और अगर आप एक स्टेबल इनकम एज वेल एज एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना भी है तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप कर सकते हो अच्छी कंपनी, और उसके साथ साथ डिविडेंड भी काफी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वार्टरली 2 रिजल्ट डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।